सु महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे नारद से सुको व्यास रटे परी पचहारी तव पुनि पार न पावे ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये योनियां 84 लाख भोगनी पड़ती हैं, अच्छा क्रम इस देही से नहीं करें तो भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर हमको दिया, हमको नित्य प्रति ज्यादा बिना एक दो माला भजन करना चाहिए। भजन नहीं आता छोड़ो कोई बात नहीं, कीर्तन कर लो, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, कुछ भी कर ले, वो भी ना आवे तो बुढ़िया मारी कर ले। कैसे एक बुढ़िया बेचारी तो कछो ना आवे। एक पंडित जी ग्वारिया गैया चराते, एक दिन निकले जा रहे रास्ते, बूढ़ी मैया बोली, पंडित जी महाराज हमने कोई गुरु नहीं बनायो, हमें आप कोई मंत्र संत्र दे दो, हम तो आप ही गुरु मान लेंगे। ग्वारिया ने विचार किया, यदि ब्राह्मणी को इस बेचारी बुढ़िया को मंत्र नहीं दिया तो जन क्या क्या कहेगी लोगों से, कुछ नहीं आता ब्राह्मणों को और हम पे तो आता भी नहीं, अब दे तो दे क्या। पंडित जी बड़े होशियार, ब्राह्मणों को भगवान माता सरस्वती अलग से बुद्धि देती है, कृपा होती है, क्यों, क्योंकि ब्राह्मणों की माता है सरस्वती जी। पंडित जी ने मंत्र बना लिया तुरंत तत्काल, क्या, गणपत के पापा नमो नमो। बोले बूढ़ी मैया मंत्र सुन। हाँ बाबा, गुरुजी बताओ। गणपत के पापा नमो नमो, इस मंत्र का जाप करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बुढ़िया घर आ गई, अपनो नहाए धोए बिचारी और माला लेके, गणपत के पापा नमो नमो, गणपत के पापा नमो नमो, बस अंतर आत्मा पवित्र बिचारी सीधी सादी। और सीते के तो भगवान रखवाले होते हैं ना, निर्मल मन है बूढ़ी मैया का। भजन कर रही है मैया पार्वती, बोली भगवान भोले से, प्रभु आप समय समय पर बताते रहते हैं, अब भी मैं पूछ रही हूँ इस समय आपका सबसे बड़ा भगत कौन है। बोले बाबा, बोले है जो है, आप क्या करो, नहीं नहीं हमें बताओ ना। कहने लगे एक भक्तनी है, वो सबसे बड़ी भक्तनी है इस समय, दिखाओ ना भगवान ने, देखो फलाने को, देखो देखो वो बेटी। तो मैया ने देखा पार्वती जी ने, बुढ़िया लग रही है, गणपत के पापा नमो नमो, गणपत के पापा नमो नमो। मैया पार्वती बोली, ये भी कोई मंत्र है, कुछ हिंदी में कुछ संस्कृत में है, ये तो कोई तुक नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं, और आप भगत नहीं बताते, ये भी कोई भगत नहीं है। भगवान बोले, परम भक्त नहीं है हमारी, मैं नहीं मानती, मैं तो परीक्षा लूंगी, तो ले लो। मैया बोली, पहले जन्म में अकेली चली गई थी, दंड भोगना पड़ा था सती रूप में, अब आप संग चलो गड़बड़ हो जाती है हमसे। बोले बाबा ठीक है तो चलो। भगवान बोले, देखो
हमारे नाग लटके हुए हैं, कोई पहचान लेगो, कोई डर जाएगा बाल बच्चे। हम तो यही ये जो कुआ बना हुआ था इस सूखे कुएं में प्रवेश कर रहे हैं, छिप रहे हैं, भजन करते हैं। इतने ठाकुर जी का आप परीक्षा ले आओ। भैया बोले ठीक। भैया ने बुढ़िया का रूप धारण किया और जो पत्ता ठाकुर जी ने दिखाया था बताया था वही पूछी। बुढ़िया लग रही थी गणपति के पापा नमो नमः। मैया ने आवाज लगाई, बूढ़ी मैया बूढ़ी मैया बूढ़ी मैया। तो मस्त थी ना भजन में। जब नहीं सुना कई बार मैया को बड़ा बुरा लगा। मैया ने कंधा पकड़ा और ऐसे उसे हिलहला दिया। बुढ़िया की आंख खुली, बुढ़िया को बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया कि कितना आनंद आ रहा था भजन में और इसने हमारा भजन भंग कर दिया। मैया बोली क्या बात है, कैसे भजन नहीं करने देती, कौन है तू? उन मैया मैं तो एक निकली जा रही थी, आपके भजन को देख के आई हूँ। आप क्या कर रही हो? भजन कर रही हूँ। किसका? तेरे खसम को कर रही हूँ, गुस्से में बोल दिया। मैया ने सोचा बात तो फिट है, बिल्कुल सत्य है। मैया ने आगे परीक्षा ली। मैया बोली तो मेरे कसम कहाँ है, परे हो का कुआ झेरे में और भगवान शंकर जी कुएं में बैठे ही थे, बोले जय श्री राधे। मैया को भागना पड़ा। ये तो बहुत पक्की भगत नहीं, कोई गड़बड़ होगी तो फिर दंड भोगना पड़ जाएगा। शंकर जी से बोला निकल जाओ। क्या हुई? पास है भगत नहीं, उसे तो सब कुछ ज्ञान है, उसके चक्षु नेत्र जो दिव्य नेत्र दे रखे हैं, ऐसी भगत नहीं। तो हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये शरीर है, इसमें मल भी है, ज्ञान भी है, सब चीज इसके अंदर, पूरा ब्रह्मांड शरीर में है, भगवान ने ऐसा रचा है। बड़ी सुंदर देही का सदुपयोग करना चाहिए, इससे भजन करना चाहिए ठाकुर जी का। जो जीव करते हैं उनको अलग ही आनंद मिलता है।